चलते हैं वापस रूम की तरफ, देखते हैं प्रसाद रेडी हुआ या नहीं, आर्यन रेडी हुआ या नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। अभी हम जाते हैं ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज रखी गई है ब्रेकफास्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये जो है पूरा रेस्टोरेंट एरिया है इधर, और यहाँ पर पूरा ब्रेकफास्ट का बॉफे है जो कि अभी हम लोग करेंगे। आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें इधर बनाई गई है। यहाँ पर है इडली, वड़ा, मसाला उत्तपम, सांभर, भटूरा भी है, चना मसाला भी है, अवल मंचूरियन भी है, और वेज समोसा। ये सारी चिकन की आइटम्स हैं। यहाँ पर है दूध और कोल्ड ड्रिंक, साथ ही है कॉम्प्लेक्स बच्चों के लिए। चलते हैं वहाँ पर फ्रूट्स टेबल पे। अवेलेबल है ब्रेड, बटर, पपीता एंड पाइनएप्पल। यहाँ पर है टी एंड कॉफ़ी, इंस्टेंट वाली है रेडी, आपको इधर से पिक कर लेना है, और यहाँ पर है शुगर एंड एक्स्ट्रा चीज़ें। तो ये रहा ओवरऑल ब्रेकफास्ट का एरिया। यहाँ पर अंदर की साइड पे है किचन। तो हम जो है वो ब्रेकफास्ट अभी सबके साथ में ही करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। तो जाते हैं रूम की तरफ और देखते हैं सब लोग रेडी हुए या नहीं हुए हैं। चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। पहला ये देखो, ये बनने बदमाश बच्चों ने पहले ही अच्छी वाली सीट पे कब्जा कर लिया है, पेरेंट्स की वेट भी नहीं की। ये हमारी पर्सनल बोट है और कोई नहीं है हमारे फैमिली के अलावा। शहर हो छोटा सा अपना एक घर हो, मिशन कश्मीर मूवी का ये सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। ये सारी झील और अपना छोटा सा इधर घर हो, ये था हमारा रिसोर्ट। और अभी हमारी सवारी निकल चुकी है बैक वाटर्स का मजा लेने के लिए। आप अगर ऐसी शिकारा राइड लेते हो तो आपको रास्ते में बहुत सारे रिसोर्ट्स दिखेंगे, जैसे कि जूरी है, केटीडीसी का है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े रिसोर्ट्स यहाँ पर ही है, कुमारकॉम के जो बड़े रिसोर्ट्स हैं वो।
तो वो सारे रिसोर्ट्स का भी नज़ारा हम लोग लेते हुए जा रहे थे आगे की ओर। थोड़ा सा मिडल में वो भैया जो थे वो हमको लेके जा रहे थे। ये वाला जो शिकारा है वो हमने बुक किया है अलग से 1,400 रुपीस देके, तो ये हमको मिला है 1 घंटे के लिए। और ये एक बड़ा सा हाउस बोट है जो कि जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर स्टे करना है तो आपको इस तरह के हाउस बोट्स मिलेंगे जिसका जो रेंट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहता है पर डे के लिए, तो आपको पहले से ही उसको बुक करवाने का रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है और ऐसे ही वो लोग आपको घुमाते रहते हैं। ये देखिए वो वाले डक्स जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, अच्छे से पूरा फैमिली लाइन में जा रहा है। क्या बात है, ये लोग भी कितना मेंटेन करते हैं क्यू को। अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस जाने के लिए कोची स्टेशन। कोची से हमारा ट्रेन है बेंगलोर के लिए। तो आबाद विस्परिंग को हम बोलते हैं बाय बाय, कुमार को हमको बोलते हैं बाय बाय और जाके बैठते हैं अपनी गाड़ी में। ये रही हमारी गाड़ी, ये रहा हमारा सामान, सब कुछ रेडी हो गया है। बस अभी हम अंदर बैठेंगे और गाड़ी एक नई सवारी शुरू करेंगे। अभी आए हैं हम लोग फोक्सर म्यूजियम केरला में, कोची में आया है ये। अंदर जाते हैं, देखते हैं इधर क्या क्या चीज़ें हैं। ऑथेंटिक केरला के रिलेटेड सारी चीज़ें इधर होगी। तो बाहर का स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये वाला जो म्यूजियम है उसके अंदर अगर आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो वो अलाउड है, बट वो चार्जेबल है, तो उसका भी टिकट हमने ले लिया है। ये यहाँ पर मलबार का पूरा बनाया गया है म्यूजियम ग्राउंड फ्लोर पे। गॉडेस दुर्गा माता जी की है ये। दिस इज गरुड़ा, दिस इज ऑल गरुड़ा माउंट वाहना ऑफ लॉर्ड विष्णु। गरुड़ा में कितने बता दिस इज नरसिम्हा। सारा पुराना स्कल्पचर्स है जो कि कलेक्ट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से, वो इधर रखा गया है। कभी भी पहले इतना ऑथेंटिक चीज़ें हमने नहीं देखी है और ये काफ़ी हद तक रियल है, मतलब कि रियल ही होगी। इधर लिखा गया है दिस इज 17th century का, दिस इज अनंतम और ये टिकवुड का है। ये है वाटर पॉट्स, ये साउथ इंडिया तमिलनाडु से है, 2000 ईयर ओल्ड है। दिस इज बुद्धा विद डिसिपल्स, दिस इज फ्रॉम 18th century। दिस इज अ मॉस्क डोम, दिस इज फ्रॉम 16th century। ये लीजिए चाइनीज का भी प्रोडक्ट इधर पड़ा है। ये है चाइनीज जार जो कि 18th century का है। और क्रिश्चियन फिगर एंड दिस इज फ्रॉम 15th to 19th century। दिस इज अगस्त्य मुनि फ्रॉम 18th century
एंड लॉर्ड गणेशा फ्रॉम 13th एंड 14th सेंचुरी। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इधर रखी गई है। हमारी ज़िंदगी में हमने तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ें देखी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी ऑथेंटिक और उसके स्ट्रक्चर से ही दिख रहा है कि ये ज़रा भी उसमें कुछ मॉडल चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये जैसे पहले होगा तो वैसा ही अभी भी दिख रहा है, क्योंकि इस पर वो धूल मिट्टी भी हटाई नहीं है। मतलब वो काफ़ी साल पुरानी चीज़ें हैं, वो दिख रही है। दिस इज़ अ प्रभावेली फ्रॉम 14th to 15th सेंचुरी। इन दिस एरिया देर आर लॉट ऑफ पेंटिंग्स। दिस इज़ अ तंजौर पेंटिंग। गणेश का भी डिफरेंट वर्जन रूप हम मैंने इधर देखा है। बहुत ही अच्छी वाली ये पेंटिंग है। यहाँ पर ओल्ड पोर्सिलिन वेयर एंड सिरामिक आर्टिफैक्ट्स जो कि है 2000 साल पुराने। थायम इज अ पॉपुलर रिचुअल फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ नॉर्थ मलाबार इन केरला। एंड उसी के सारे डिफरेंट जो पोस्टर रहते हैं, खास करके आइस के, तो वो सारे इधर बनाए गए हैं। फेस राइटिंग, मतलब कि आप अपने आँखों से ही सारी चीज़ें एक्सप्रेस करने की, कि आप देख सकते हो सब जगह पे डिफरेंट आँखों के एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं। वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम आइस। This is a Thayam bangles. ये काफी ज्यादा हैवी है। Oh my God. पैर पे पहनने के लिए सैल्यूट टू अवर महाराजा। पुराने जमाने के लोग जो ये सारी चीजों को वेयर करते थे, पहनते थे। This is very cute. I just love this. See, it's looking like a small baby. अभी यहाँ से हमको जाना है ऊपर। ऊपर की साइड पे है पूरा कोची का म्यूजियम। कोची के रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर रखी गई है। जो अभी हमने देखा इधर वो है मलबार, और अभी जा रहे हैं हम कोची की तरफ। दिस इज जॉर्ज थालियत, फाउंडर ऑफ केरला फोकलोर म्यूजियम। सो दिस इज कोची म्यूजियम। कोची के रिलेटेड पूरा है इधर। कलेक्शन ऑफ ओल्ड गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। वेयर इज गोल्ड? या दैट्स हां, ये रहा इधर है। म्यूजियम घूमने के बाद हम जा रहे थे हमारे स्टेशन की ओर, ट्रेन जो थी हमारी। बट रास्ते में हमने ले ली है चिप्स। ये है केरला स्पेशल चिप्स, जो कि हमको रास्ते में एक शॉप दिख गई, तो वहाँ से हमने बहुत सारी चिप्स भी खरीदी। फाइनली वी आर
फाइनली हम लोग कोची रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी हमारी ट्रेन है 5 o'clock की, कुचुवेली एक्सप्रेस, जो कि आएगी कुचुवेली से लेके यशवंतपुरम तक, और उसका जो ट्रेन नंबर है वो है 22678। सामान पूरा हो गया है, शॉपिंग भी किया है और ये कुछ खाने का भी सामान लिया है हम लोगों ने, तो आप लोग ट्रेन में देखोगे मैं क्या खाने जा रही हूँ आज। तो कल आधी रात को हम पहुँचेंगे बेंगलोर स्टेशन पे। तो बस मेरा जो केरला का जर्नी था वो इधर ही मैं ख़त्म कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो होप कि आप लोगों ने मेरे पिछले सारे व्लॉग्स देखे होंगे 5 दिन के, मैं कहाँ कहाँ घूमी थी। अगर नहीं गए हो तो प्लीज़ गो ऑन माई चैनल एंड प्लीज़ चेक दैट व्लॉग्स। बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैंने बनाए हैं केरला का, बहुत ही अच्छी जगह है। कोई नहीं आए हो तो प्लीज़ घूमिए सारी जगह पे और एंजॉय कीजिए नेचर का मज़ा। अभी कोरोना कम हो गया है तो थोड़े बाहर निकलिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है लाइफ में। मिलती हूँ मैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।